हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग क्लैश विद संदीप। तो जो नवंबर सीजन है वो एंड हो चुका है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि जो टॉप प्लेयर है वो ग्लोबल का कौन था जो नवंबर सीजन था 2019 का। तो यहाँ पे आप जैसे चेक देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर वन प्लेयर है वो स्टेफनी DRM है, और जो सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, फोर्थ भी वही है। तो मतलब इसका मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उन लोग का जो क्लैन है उन सबका क्लैन भी सेम ही आप देख ही सकते हैं, इतने सबका क्लैन सेम है। तो इन लोग का मतलब मल्टीपल जो भी मतलब ये लोग अकाउंट बना के खेलते हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रॉफीज देख लेते हैं, 7181। पर जो सेकंड ट्रॉफी देख सकते हो काफ़ी कम है, मतलब 300-400 के करीबन डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आ जाती है और नीचे, तो यहाँ पे जो 7-8 के बाद से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बन जाता है टॉप के ट्रॉफीज तक पहुँचने के लिए। मतलब 7000 ट्रॉफी पुश करना कोई ईजी बात नहीं है। इसका प्रोफाइल देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो सब हर चीज़ मैक्स ही होगा, क्योंकि जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनका मैक्सिमम सारे डिफेंस ट्रूप्स हर चीज़ मैक्स ही होता है। तो इसने पहले भी शायद पुश किया है, बट ये शायद पहले बार टॉप सीज़न में आ पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रीवियस सीज़न नहीं है, मतलब इसका फर्स्ट सीज़न है जिसमें ये इतना मतलब लेजेंड्स लीग में टॉप में आ पाया है। तो यहाँ पे इसका लेजेंड ट्रॉफी भी 8000, मतलब काफ़ी दिनों से ये गेम खेल रहा है, मतलब साल कह सकते हैं। इनका ट्रॉफी पुशिंग करना कोई आसान बात नहीं है। तो वॉर पे देख लेते हैं, जो कि हमारा क्लैन का भी वॉर चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी 10 अटैक्स यूज़ किए, हमारे अपोनेंट ने 12 यूज़ किए। तो हमारे टीम का कुछ अटैक्स देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे जो नंबर वन प्लेयर है उसका अटैक देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ऑसम प्लेयर है। इसका मैक्सिमम अटैक 3 स्टार ही जाता है, बहुत कम चांस ऐसे होंगे जिसका इसका अटैक 2 स्टार जाता होगा, जो कि यहाँ पर टाउन हॉल 12 रस्ट बेस है। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रो ड्रैगन का यूज़ किया गया और बॉलर का भी यूज़ किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन बॉलर, कई बार क्या होता है हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ ओनली बैलून्स यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे बॉलर स्पेक्का एंड आइस गोलम यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो साइड के डिफेंसेस उनको और ऑब्स्टिकल्स उनको क्लियर करने के लिए इलेक्ट्रो ड्रैगन का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे CC के ट्रूप्स को ट्रिगर्ड करने के लिए लूम यूज़ किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया वो। बट यहाँ पे बॉलर्स के फनलिंग के लिए पूरा हमारा जो साइड के एरिया वो क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पे और तेरी अपने चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे इसने आइस गोलम डाला एंड देन क्वीन डाला, बट जो हीलर है वो आइस गोलम को हील करने लगी क्वीन की जगह। तो बेसिकली आइस गोलम वॉक हो गया क्वीन वॉक की जगह। तो यहाँ पे बॉलर्स डाल दिए गए हैं जो कि सेंटर में इजीली जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा आइस गोलम की तरफ अभी सारे हीलर्स जा चुके हैं, बट यहाँ पे क्वीन की तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पे ये ईगल आर्टर लेडी एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे साइड में पेक्का डाल दिए हैं साइड के फ्लैरिंग क्लियर करने के लिए, और यहाँ पे 2 मैक्स ड्रैगन निकल चुके हैं। यहाँ पे ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर दी गई है, जो सिंगल इन्फर्नो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, और ये क्वीन की एबिलिटी अभी तक यूज़ नहीं की गई है, और ये फ्रीज यूज़ कर लिया है। बट यहाँ पे अभी भी सिंगल इन्फर्नो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था, और यहाँ पे इसने एडवांटेज उठाया सिंगल इन्फर्नो का बैट स्पेल यूज़ करके, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो में बैट इजीली उसको डाउन कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो सिंगल ही टारगेट करेगा। अगर मल्टी होता तो बैट स्पेल काम नहीं आ पाते, बट इसने दूर इसलिए किया क्योंकि अगर इन्फर्नो के ऊपर ही डालता तो एक साथ इतने वेव में सारे बैट्स नहीं आ पाते। तो यहाँ पर इसने रेन स्पेल का यूज़ किया, फनेलिंग काफ़ी ईजी हो गई थी। यहाँ पर इसने सेंटर में इसलिए यहाँ पर डाला क्योंकि यहाँ पर 2 फ्रीज़ पर यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर एक तो ईगल आर्टर में यूज़ किया गया और यहाँ पर एयर स्वीपर में यूज़ किया गया, क्योंकि बैट्स को हवा से साइड ना कर दे। और यहाँ पे जो मेन था हमारा मतलब अपोनेंट का जो सारे पूरे गेम पलट सकता था, वो क्या बोलते हैं ईगल आर्टर लेडी, वो डाउन हो चुका है। और यहाँ पर भी बॉलर जिंदा है, क्वीन और किंग की एबिलिटी अभी तक यूज़ नहीं किए गए, और अभी भी एक फ्री स्पेल बाकी है, और इसे फ्री स्पेल यूज़ कर दिया और सही टाइम पर बैट्स आ गए इन्फर्नो पे, क्योंकि वरना ये ग्रैंड वार्डन नहीं तो किसी एक ट्रूप को डाउन कर देता, बट अभी भी हीलर्स के ऊपर है अभी भी, और ये हीलर डाउन और सारे बैट चले गए, और ये इजीली इन्फर्नोज डाउन हो चुका है अभी। और ये इजीली हम बोल सकते हैं मतलब रश बेस था, और इसने इजीली 3 स्टार कर दिया है इस बेस को। तो ज़रा एक बार देख लेते जो ओपोनेंट का नंबर वन प्लेयर है उसने हमारे नंबर वन प्लेयर पर अटैक किया, बट वो 1 स्टार नहीं किया,
जस्ट वन स्टार होने से मिस हो गया, क्योंकि बेस दे सकते हैं काफ़ी, मतलब अपने बेस बहुत कम देखा होगा, मतलब कुछ लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे इसने विचिस का यूज़ किया गया और गोलम एंड यहाँ पे बॉलर्स की यूज़ किया गया, बट इसने विचिस बहुत जल्दी डाल दिया जो कि इसके सबसे पहली गलती थी, और इसने बॉलर्स भी बहुत जल्दी डाल दिया। तो भाई आइस गोलम क्यों रखा है, मतलब पहले बॉलर्स डाला फिर आइस गोलम डाल रहा है, अलग ही है मतलब ये बंदा। तो यहाँ पर ये सारे, ओ यहाँ पे मालूम इसके डिसएडवांटेज किस तरफ हुआ, यहाँ पे जितने भी इन्फर्नोस थे इसको अपने इन्फर्नो को डाउन करना चाहिए था इजीली क्वीन से या आइस गोलम से, बट इन्फर्नो ने इसके सारे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुका था, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, बट इसके पास एक भी हील स्पेल नहीं है, शायद इसके पास था उसने यूज़ कर लिया है, जो कि डिसएडवांटेज था। और सी सी से इलेक्ट्रो ड्रैगन निकले, दो बलून्स निकले जो कि, और देखिए इनका गलत टाइम स्टार्ट हुआ क्योंकि ईगल आर्टिलरी टारगेट हो चुका है, और यहाँ पे एक बॉम्ब भी था जो कि सारे मैक्सिमम बॉलर्स को, ये बॉलर सारे डाउन, जो कि गेम चेंजिंग पॉइंट था इसका। और यहाँ पे इसको टाउन हॉल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डाउन करना था, क्योंकि जो गीगा टेस्लास थे उसका डैमेज तो आप सबको मालूम ही होगा कितना ज़्यादा डैमेज देते हैं वो सब, जो कि उसने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी यूज़ की, बट जो गीगा टेस्लास है वो एक बार में 5 टारगेट्स ले सकता है, और सिंगल इन्फर्नोस थे यहाँ पर इनके लिए एक मतलब घाटा था हम बोल सकते हैं। यहाँ पे फ्रीज स्पेल का यूज़ किया गया, मतलब कितनी देर तक यूज़ करोगे, अभी तक इन्होंने मतलब एक भी इन्फर्नो डाउन नहीं किया, मतलब एक इन्फर्नो डाउन कर दिया है बट बाकी तो डाउन नहीं कर पाए ये लोग अब तक। अगर इसके पास कुछ ट्रूप्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज के लिए, तो इजीली वो इस साइड या कुछ इस साइड्स में एक्स्ट्रा परसेंटेज लेके वन स्टार ये इजीली हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वन स्टार नहीं हो पाया। स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लानिंग नहीं की थी इस बंदे ने, फिर इस बंदे ने दोबारा हमारे नंबर 5th पर अटैक किया जो कि इजीली था 2 स्टार, और 3 स्टार जिनकी नंबर 1 प्लेयर है नंबर 5th पर अटैक करेगा तो हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो कि टाउन हॉल 11 है, मैक्स नहीं है, जस्ट थोड़े दिनों पहले अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पे मैक्स गोलम मैक्स लेवल 7 के गोलम्स यूज़ किए गए हैं और स्टार्टिंग में, और पीछे से विजार्ड्स और कुछ बॉलर्स जो ऑब्स्टिकल क्लियर करने के लिए, ये तो बेसिकली 1 स्टार है 100%। बट एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे सेंटर में इन्फर्नो एयर स्वीपर है, बल्कि आपने बहुत सारे बेसिस में देखा होगा सेंटर में क्लैन कैसल एंड ईगल आर्टिलरी होता है, बट इसमें नहीं है, ये इजिली 1 स्टार है। अब देखते हैं ये बंदा 2 स्टार कर पाता है कि नहीं। बॉलर्स मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं साइड के ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने में अगर उसके लेवल ज़्यादा है तो, बट यहाँ पे 2 गोलम्स के इजिली उसे किया गया था, और 1 गोलम अभी डाउन हो चुका है, और यहाँ पर ईगल आर्टिलरी एक्टिवेट हो गया है जो कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि बॉलर्स गोलम के काफ़ी पास है, और ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, तब भी देखते हैं। यहाँ पर विचेस का यूज़ किया गया और ये निकल चुका है इलेक्ट्रो ड्रैगन, बट यहाँ पे विजार्ड्स नहीं है, और ये सारे के सारे यहाँ पर डाउन होने वाले हैं, और ये हो ही गए। यहाँ पे इसने वेस्ट कर दिया, मतलब 2 कह सकते हैं जंप स्पेल, अगर वो यहाँ पे यूज़ करता तो इजीली फनेलिंग हो जाता। अभी भी क्वीन की एबिलिटी इसने यूज़ कर दी, किंग भी डाउन हो चुका है, इसका मेन प्रॉब्लम था इलेक्ट्रो ड्रैगन को डाउन नहीं कर पाए, और ये इसने ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर दी, और विच इज़ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन को, और इसने क्वीन की एबिलिटी भी पॉप कर दी क्योंकि उसको लग रहा है बाई चांस कि इलेक्ट्रो ड्रैगन सबको 1 बार में ले लेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन में डाउन हो चुका है। बट यहाँ पे इन्फर्नो सिंगल पे नहीं है, मल्टी पे है, बट क्वीन सेंटर की तरफ बढ़ चुकी थी जो कि एक डिसएडवांटेज था, अगर कोई सिंगल ट्रूप सेंटर में जाता है तो सारे ट्रूप्स उस पर एक बार में अटैक करने लगते हैं और इजीली डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पर एक आखिरी विच बाकी है जो कि आर्चर टावर और कैनन से इजीली डाउन हो चुकी है, और ये 58% 1 स्टार होके रह गया। अगर इस अटैक स्ट्रेटजी में इलेक्ट्रो ड्रैगन या बॉलर्स मास बॉलर यूज़ किया जाता तो इजीली ये 3 स्टार हो सकता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।